कभी तेरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निकाह है यार वो यूं ही इत्तेफाकन मुझे नजर नहीं आई। इसका मतलब है कुछ ना कुछ है उसके पास जो मुझे जानना है। कैसे तलाश करूं मैं उसे? मैं कल फिर इसी मॉल आऊंगी, उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। भला मुझे क्या फायदा होगा अपनी सारी रकम तुम्हारी अंकल की कंपनी में लगाने का? यार तुम ये सोचो, ये रकम तुम्हारे पास रखे रखे उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर तुम किसी बैंक में इन्वेस्ट करती हो तो तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, पता है मुझे। तुम आगे बताओ। यार अंकल की ना कोई आम कंपनी नहीं है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अच्छा हाँ, और ये सोचो कि तुम्हारी रकम बिल्कुल सेफ होगी और तुम्हें बाकायदगी से प्रॉफिट भी मिलता रहेगा, वो भी ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट कितना मिलेगा? ये सब तो मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगी। सुनो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे गड़बड़ कैसी, जिया अंकल बहुत सच्चे और ईमानदार हैं। तो सोचो तुम्हारी मामूली सी रकम में वो क्यों बेईमानी करेंगे। बात सुनो मेरी, कोई मामूली सी रकम नहीं है, करोड़ों से कम ना वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। और ये तो मैं कह रही हूँ, अभी मैं उनसे पूछ के तुम्हें बताऊंगी। भला तुम्हारी रकम कितनी है? यार अभी तो पता नहीं, मैंने भी सोचना शुरू किया है, और वैसे भी मैं पहले तुम्हारे अंकल से मिलूंगी, उसके बाद ही कुछ प्लान करूंगी। वैसे एक दो और लोग हैं मेरे पास, अब सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, मैं ऐसे थोड़ी कहीं पे भी लगा सकती हूँ। वैसे मैंने कुछ और भी प्लान किया हुआ है, देखो अब क्या करती हूँ। इधर उधर के चक्रों में नहीं पड़ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम रातों रात तुम्हारी रकम डूब जाएगी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए तुम्हारा अच्छा सोच रही हूँ, वरना तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अंकल के पास तुम्हारी रकम रहेगी ना तो बिल्कुल सेफ रहेगी। अच्छा कुछ पता चला? सर कुछ खास तो नहीं पता चला। तुम अजीब आदमी हो यार, 24 घंटे तुम उनके साथ रहते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं? सर मैं उनका मुलाजिम हूँ, उनका पीए हूँ, मुझे सिर्फ उतना ही जानने का हक है जितना वो चाहते हैं। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें हायर किया था तो क्या कहा था? याद है मुझे सब कुछ, और मैंने एक दफा कोशिश भी की थी, लेकिन वो 4-5 महीने से ऑफिस को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। साइट पे भी तो जाते थे वो, कोई ऐसा शख्स जिससे वो बहुत क्लोज हो गए हो इन महीनों में? सर वो साइट पे भी 4-5 माह में सिर्फ 1-2 बार ही गए, वो भी थोड़ी देर के लिए। और तुमने मुझे बताया था कि नहीं? मुझे लगा आपने शायद उनको किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया हुआ, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सका। समझ नहीं आ रही है, मुस्तकिल वो पैसे निकालते जा रहे हैं,
कहां खर्च कर रहे हैं, किस लिए? सर ये कुछ दिनों पहले उन्होंने कार बुक करवाई थी। करोड़ों में सिर्फ एक गाड़ी नहीं आती। एक तरीका और है सर। वो क्या? अगर तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली है या कहीं इन्वेस्ट किया है तो जरूर अपने वकील से मशवरे के साथ किया होगा। वकील साहब के पास जाओ और उनसे जरा पता करने की कोशिश करो, और ये उनको ना पता चले कि ये सब मैं जानना चाहूँ। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। इतनी फराग दिल नहीं हूं कि मैं अपने जज्बात से खेलने वाले को यूं ही आसानी से माफ कर दूं। अगर मैं भूलने की कोशिश जरूर करूंगी कि तुम्हें माफ तो नहीं कर सकी, लेकिन ये बात भूल जाओ। और आसिम, आसिम मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं खुदा के वास्ते, अब किसी और लड़की के साथ ये सब मत करना। वो लड़की जो तुम्हारे पीछे दीवानी है ना, उसे अपना लेना। नफरत करती हूं मैं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूं। निकलो यहां से, मैंने कहा निकलो यहां से। ऐसा भी होना था, वापसी के सारे दरवाजे मैं और बाबा बंद कर गए थे उसी घर में जहाँ दोबारा मेरे लिए मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। ये कैसी आजमाइश है। देखो जो भी बात है, ज्यादा बेहतर है कि तुम मुझे ही बता दो। जारा के गुस्से को तो तुम जानती ही हो, ये ना हो कि तुम उसके सामने कोई ऐसी वैसी बकवास करो और वो तुम्हें हाथ पकड़कर गेट से बाहर निकाल दे। भाभी मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि आज जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, सारा यहाँ पे होना चाहती थी। फिर भी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम उससे मिलने यहाँ तक आ गई। शुक्र करो सारा के भाई घर पर नहीं है, वरना ये काम जारा से पहले वो खुद कर देते। वो तैमूर की फैमिली ये किसी फर्द की शक्ल तक नहीं देखना चाहते।
मुझे लगता है किंजा को नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो, वरना तुम इतनी घबराई हुई ना होती। वरना जिस किस्म की वो किंजा है उसे तुम जैसी बेजुबान गाय ही सूट करती है। तैमूर तो अभी भी वैसा ही होगा ना, भाभी के इशारों पर नाचने वाला। भाभी आप प्लीज बस कर दो, मैं ऐसा करती हूँ कि सारा का इंतजार बाहर जाके कर लेती हूँ। हो सकता है मुझे वो अपने घर में देख के गेट से बाहर ही निकाल। सिर्फ बाहर ही नहीं, गेट से बाहर, गेट आउट। ऐसा क्या भर के लाए आप लोग पैक में? भाई शुक्र है खुदा का कि मेरा सामान पूरा आ गया, वरना जहाज के सफर में हमेशा कोई ना कोई चीज रह जाती है। सुबह बेटा बैठो ना, थक जाओगी, सफर करके आइए। वो सफर तो बहुत किया है, अगर कुछ भी ठीक होता नजर ही नहीं आ रहा। मुझे याद है जब हम लास्ट टाइम यहाँ से गए थे तो बाबा मुझे पूरे रास्ते बार बार यही कहते रहे कि मैं अब सबिया के घर कभी नहीं जाऊंगा। और उन्होंने अपनी बात भी पूरी की। काश पप्पू उन्होंने ये कहा होता कि अब हम दोनों सबिया के घर कभी नहीं जाएंगे। तो मुझे ये सब अकेले झेलना ना पड़ता। ऐसी बातें क्यों कर रही हो दिल दुखाने वाली? भूल जाओ इन सब, वरना खुद को बीमार कर लोगे तुम। मैं कैसे भूल जाऊं? वो मेरे बाबा थे, मेरे लिए मेरा सब कुछ थे वो। मैं कैसे भूल जाऊं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं कैसे भूल जाऊं वो? मैं
जारा की भाभी से बात हुई थी मेरी, उसका इत्तेफाकन सुबह मुझे फोन आया था मेरी तबीयत पूछने के लिए। क्या बात हुई फिर? मैंने बातों बातों में कुछ करेदने की कोशिश की थी उससे। तो कुछ बताया उन्होंने? किंजा मुझे आखिर ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हें किस बात की फिक्र है, जारा अपने घर जाए या ना जाए इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तैमूर खैर से शादीशुदा है, किस बात की फिक्र है? तुम ठीक कह रही हो, जारा का भी कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा आजकल। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि उसका शौहर नहीं आया उसकी सास के मरने पे, और समीरा ने मुझे बताया था कि जारा और उसके मियाँ के बीच में कोई खास बात भी नहीं होती। मुझे लगता है निवाह करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। हो सकता है कि इस बार जो खेल से निकलेगा वो कोई और नहीं किंजा खातून ही हो, क्योंकि मैंने तो कसम खा ली है आपका ये बहरूप मैं ही उतारूंगी। आपने अपने किरदार पर जो पर्दा डाला है ना, इसे मैं ही उतारूंगी। शायद इसीलिए मैं वापस आई हूं। जहीन सर ने माँ मैम से शादी कर ली, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? किसी को रोकने से अगर नसीब में लिखे फैसले बदलने लगते तो कोई किसी को बेवफा ना कहता। मैं एडवोकेट परवाना करी। मैं आपको नहीं जानती। एक्चुअली मैंने केस फाइल किया है कि अगर दिलशाद हाउस में रहते हुए मुझे कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदार मेरी सास, मेरा शौहर जहीन और उनकी सेकंड वाइफ माहा हूँ। मैं जानती हूँ आप आज भी तैमूर को उतना ही चाहती हैं जितना पहले चाहती थी। What? How dare you? और तैमूर भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। मैं जानती हूँ मुझे बात नहीं करनी चाहिए, और शायद आप लोग भी अपने दिल में ये बात नहीं सोचते होंगे या एक दूसरे को कहने से डरते होंगे, लेकिन मैंने आप दोनों के चेहरे और आंखों में देखा ये राज। आप लोग ये राज तो नहीं छुपा सकते। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से आप दोनों आज एक साथ नहीं हैं। मुझे माफ कर दें। Come on। ना तो तुम्हारी पहले ये हैसियत थी और ना ही आज कि तुम हम दोनों के दरमियान ताल्लुक खत्म होने की वजह बने, इसलिए ये खुशफहमी ना अपने दिल से निकाल दो। ये खुशफहमी तो बहुत पहले से मेरे दिल से निकल चुकी है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तैमूर के दिल में, उनकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं। तुम यहां क्यों आई हो? तैमूर ने भेजा तुम्हें? अब क्या चाहता है वो मुझसे? मेरी जिंदगी तो उसने बर्बाद कर दी, अब क्या बिगाड़ना चाहता है? उसे कहो मुझे बख्श दे, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। जो खुश होते हैं वो दूसरों के सामने रोते तो नहीं, ना ही हाथ जोड़ते हैं। और रही तैमूर की बात, तैमूर नहीं जानते कि मैं आपसे मिलने आई हूं। मैं आपसे मिलने तैमूर के लिए आई हूं। मैं चाहती हूं कि आप दोनों एक हो जाएं। मैं तैमूर की जिंदगी में खुशी चाहती हूं, उन्हें मुतमईन देखना चाहती हूं, और उन्हें खुशी सिर्फ आप दे सकती हैं। इस बात के बारे में सोचिएगा।
मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक हो जाएं। मैं तैमूर की जिंदगी में खुशी चाहती हूँ, उन्हें मुतमईन देखना चाहती हूँ, और उन्हें खुशी सिर्फ आप दे सकती हैं। इस बात के बारे में सोचिएगा। जापी, हमारी इतनी औकात कहाँ? वो मैं यहाँ पे अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी, उसने मुझे बताया था कि ऊपर वाले फ्लोर पे एक रूम वाला अपार्टमेंट खाली हो रहा है, मगर वो भी बहुत महंगा है, मेरा तो यहाँ बेकार हो गया। गोल्ड है ना ये? गोल्ड नहीं, नहीं देखा, आप ही खा गई ना धोखा। सेल्समैन ने इतने महंगे दिए थे, कह रहा था कोई भी देखेगा ना धोखा खा जाएगा आपकी तरह। वैसे आर्टिफिशियल लग तो नहीं रहा। इसकी यही तो खास बात है कि आर्टिफिशियल नहीं लगता। खैर छोड़े, आप बताएं आप यहाँ क्या करने आई थी, किसी को तलाश कर रही हैं? आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं? इसको जरा चेक कर लीजिए, ये हमारे कंपनी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है। कितना प्रॉफिट आता है जाता है, सब इसमें है, और इसी से हम आगे कारोबार करते हैं। भाई दो ढाई महीने में आपने इतनी बड़ी अमाउंट निकलवाई है, आपको पता है इससे क्या हो सकता है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, आप कुछ अंदाजा भी है इस बात का? भाई मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आखिर ये रकम आपने निकलवाई किस लिए? आपने भेजा था अपनी बीवी को हमारे अपार्टमेंट? क्या किंसा? किंसा आई थी तुम्हारी तरफ? क्या उसे पता चल गया? कहाँ है वो, घर चली गई या? खुदा के लिए सुहेल सांस ले ले, दिल ना बंद हो जाए आपके इस परेशानी से। तो मुझे बताओ किंसा कहाँ है, क्या कहा है तुमने उससे? क्यामत एक ना एक दिन तो आनी है। अभी आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अभी के लिए क्यामत टल गई है। हेलो सुहेल, क्या हुआ, कहाँ चले गए हैं? हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, पूरी बात बताओ सोनिया, हुआ क्या था? अभी पूरी बात छोड़ें और मुझे ये बताएं कि वो मेरी गाड़ी कब तक आ रही है। आपने कहा था ना कि इसी वीक आ जाएगी, जरा आप फोन करके पूछें तो सही। भाई इतनी जल्दी नहीं आती गाड़ी, मुझे पता है नेक्स्ट वीक ही आएगी। अगर आप फोन करके पूछ लेंगे तो कुछ चला जाएगा आपका। अच्छा भाई मालूम कर लेता हूँ, पता कर लेता हूँ कि कब तक आएगी गाड़ी।
ये बताओ कि किंजर से तुम्हारी क्या बात हुई? जब तक आप पूरी बात नहीं सुन लेंगे ना, आपको भी सुकून नहीं आएगा। बता क्यों नहीं देती, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मुझे एक बात तो बताएं, अगर किंजा आप ही को ये सब पता चल गया तब क्या करेंगे आप? जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, जारा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुमने मर्द के साथ रूप बदलने वाली कहावत नहीं सुनी? मर्द उसी बात से मुकरता, चीखता और चिल्लाता है जो बात असल में उसके दिल में होती है। भूल गई जारा की बात पर किस तरह से शोर मचाया था तैमूर ने, और तुम्हें मुर्दा लफ्जों में कह दिया कि फलक तुम मेरी बीवी हो। हालांकि मेरा कोई कसूर या गुनाह नहीं था, लेकिन तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे बहुत बेचैन करता है। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। सारा मिली थी मुझे मॉल में। हैरानगी तो इस बात की है कि बड़े अच्छे लहजे में बात की उसने मुझसे। खुश इखलाक थी बहुत। और हाँ, खास बात तो बताना ही भूल गई मैं, वापस आ गई है जारा और अपना शौहर भी छोड़ दिया उसने। अपने शौहर को छोड़कर क्यों वापस आई है? अब ये बात तो तुम्हें समझानी नहीं पड़ेगी तैमूर की बेगम। आपने तो मोहब्बत की है ना, आपको तो सब निशानियों का पता होगा। मुझे लगता है कि दूसरी निशानी होती है जब अकल काम करना बंद कर देती है। आपके साथ ऐसा हुआ था? मेरे साथ तो अभी तक हो रहा है। आप अभी तक जारा को भूले नहीं? बात जारा की नहीं, मोहब्बत की हो रही है। सारा से मोहब्बत करता था लेकिन आप नहीं। मैं चाहती हूं कि आप दोनों एक हो जाएं। मैं तैमूर की जिंदगी में खुशी चाहती हूं, उन्हें मुतमईन देखना चाहती हूं, और उन्हें खुशी सिर्फ आप दे सकती हैं। इस बात के बारे में सोचिएगा।
ना तो तुम्हारी पहले ये हैसियत थी और ना ही आज कि तुम हम दोनों के दरमियान ताल्लुक खत्म होने की वजह बने। इसलिए ये खुशफहमी ना अपने दिल से निकाल दो। मैं ये क्या कहकर आई हूं क्या दरमियान से निकलना इतना आसान है? मिला था मैं उससे कल, ऐसी समझो एक सरसरी सी मुलाकात थी, कभी ऐसा भी हो जाए। और उसका कुछ कर्ज था मुझ पर। कर्ज? शायद मैंने कहीं ना कहीं उसे हर्ट किया था। उसने बहुत कुछ सहा है मेरे लिए जो वो नहीं चाहती थी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इतना सोचा मत करो। देखो देखो फलक, हमारा हमारी जिंदगी के साथ हमारा माजी जुड़ा रहता है। हम चाहकर भी उसे अपने से जुदा नहीं कर सकते। जब जब हमारी बात होगी हमारे माजी की भी बात होगी, हमारे मुस्तकबिल और हाल के साथ। जारा भी मेरा माजी थी और मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। तैमूर कहते हैं कि जारा उनकी माजी का हिस्सा थी, वो उसे यूं निकाल कर अलग नहीं कर सकते। तैमूर भी तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं इन्हें अलग कैसे कर सकती हूँ? हेलो चाची, आप कहाँ हैं? मम्मा भी घर पे नहीं है और मुझे बहुत तेज फीवर हो रहा है। आप आ जाए ना, और सर में भी बहुत पेन हो रहा है। अली मेरी जान, आप ऐसा करो, आप लेट जाओ, रेस्ट करो, ठीक है? मैं घर आकर आपको मेडिसिन देती हूँ। ठीक है चाची, मैं बस आ रही हूँ।